नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मित्र, पुलिस की लाठियों से गरीब ठेले वाले फैसल पुत्र इस्लाम की मौत, इसका जिम्मेदार कौन? क्या होगा ऐसी बर्बरता करने वाले चेहरों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज? जी, मामला यूपी के उन्नाव जिला की है, जहां लॉकडाउन में गरीब रेडी वाले को अपने गरीब परिवार का पेट पालना उस वक्त महंगा पड़ गया, जब दो पुलिस वालों का मित्रता वाला चेहरा भूलकर हैवानियत वाला चेहरा अपनाया। परिजनों का आरोप है कि उन्नाव जिले में गरीबों पर लगातार अत्याचार पर अत्याचार हो रही है, कोई नहीं है उन्नाव जिले में ऊपर से नीचे तक सुनने वाला। यहां तो बादशाही हुकूमत चलती है, या तो अपराधियों की या फिर राजनेताओं की। हिकीडी का राज और वही जिले पर करते हैं राज, जिनकी उच्च अधिकारियों में जबरदस्त नेताओं में होती है बैठक, वह जबरदस्त रखते हैं पकड़। गरीब तो शिवाय ठोकर पर ठोकर खाने के रहता है मजबूर। बानगरमऊ चौराहे पर ठेले पर सब्जी लगाकर अपने गरीब परिवार का पालन पोषण कर रहा गरीब को आज पुलिस ने इतनी बेरहमी से पीटा कि पहले बानगरमऊ कोतवाली ले गई, जब हालत बिगड़ गई तो नजदीकी सीएससी अस्पताल बानगरमऊ लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही परिवार में कोहराम मच गया। रिपोर्ट अवधेश कुमार, उन्नाव यूपी। इसको पुलिस पकड़ी, इसका मारी हो नहीं मार के थाने लगे, थाने में गेम लवान तो उनका मरा मिला, वहीं वहीं मरा मिला उनका, और यहाँ बताओ छोड़ गए। लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए आज एक व्यक्ति पुलिस थाने लाया गया, जिसकी पुलिस थाने पर आकर के तबीयत खराब हुई और उसको तत्काल सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वादी के तहरीर के आधार पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें दो आरक्षी और एक होमगार्ड को नामजद किया गया है। इनको तीनों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।